मैं महेश मंगल सिंध डिजिटल के प्रोग्राम अचो तो ाल अज पांच प्रोग्राम में असो मेहमान है साई ममंदरी शाह सरोरा उन बोल कदा साई सिंध डिजिटल के प्रोग्राम अचो तो ाल भलीकार अचूँ अस मुख्तसर तक ये समझना चाहूँ था बेटन के हवाले से वफाक के सिंध गवर्नमेंट परमिशन दई कर वफाक शहर हडन चाहे तो वो तरक्की के नाले से सो कम कर सिलसिले में तुम्हारी जदोजहद रही है तिंध के बुनियादी मसलन से हमेशा वढ़ा रहा हो बेट तेसा घो पुरानो अरसो अग तेटन के हवा से जदोजहद की सिंधी मानून के यह गाल समझा ही मसलो हासिल आए तो पहली गाल पान के ये समझनी है तो ये बेट आयन दरअसल छो तो बेट माजी में समुंड जो हिस्सो न रहा इन बेटन के माजी में दरिया पांजे वेकरे सा जी 400 मिलियन टन सिल्ट आनी हो मिट्टी आनी हो वो समुंड में गद कंदो समुंड के पोते धिकींदो पांजा क्रीक्स ठाईंदो बेट ठाईंदो समुंड के 100 मील परे जो आ धिके छो इन करे ये दरअसल सिंधु दरिया जो हिस्सो है सिंधु दरिया इनके तख्ली है जैसे खां सिंधु दरिया डैमन बैराज के पया कैद थी डेल्टा में पानी अचान समुंड में पानी अचान बंद थी तो इन क्रीक्स में दरिया के क्रीक्स में दरिया के छालन में समुंड पानी अचान करे ये जो समुंड जो हिस्सो थी इन वक्त ये बेट जो इंडस डेल्टा जो पार्ट है समुंड जो पार्ट पे भी जो ना सिंध के कोस्टल एरिया में 300 का मथे नंडा वड़ा बेट इन बेटन से सिंध जा 25 लख मुहाना माहिगीर जो पांजो रोजगार हासिल कन था इन बेटन के दरिया जो पानी ना अचान कर डेल्टा डाइंग डेल्टा बन चुको है इन कर इन बेटन के जो वो तमाम घना खतरात इन्वायरमेंटली एकोलॉजिकल भी आन इन कर इन बेटन के वधिक प्रोटेक्ट करण की जरूरत हुई इन कर 2000 सन 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत इनके रामसर साइट डिक्लेयर किया हो रामसर साइट डिक्लेयर उन एरियाज के हेरिटेज के लेक्स के रिवर्स के कयो वेंदो आहे जिनके वधी खत्म थियण जा खतरा हुंदा आहिनि इन करे उनके रामसर साइट डिक्लेयर करे उनके प्रोटेक्ट करण जी जरूरत हुंदी आहे उनके प्रोटेक्ट करण जी जेकी जिम्मेदारी आहे वो रियासत जी हुंदी आहे। अच्छा जडे रामसर साइट डिक्लेयर थियो त हाणे कंहिं बि क़िस्म जी इंसानी मदाख़ल जेकी आहे इन्हनि बेटनि ते करण रामसर कन्वेंशन जी जेकी आहे उहो ख़िलाफ़ फर्ज़ी आहे। अच्छा हाँ बेटन से शेर अडन या बेटन से वालार जो जो मनसूबा जो इरादों जो वफाक जो है वो अजकल जो ना सन 2000 का है सब का पे 2000 में वफाक थाई गवर्नमेंट से मुआदो करे इन बिन बेटन से डिंगी भुंडार से टेक्निकल सिटी ठाण जो उनको मनसूबो हो वो जो सो वो अगत हली ना सको सको 2006 में वरी बीहर इन बिन बेटन से बिन जाड़न बेटन से वफाक पोर्ट कासम अमार कंपनी जी है दुबई की उन 12,000 इन बिन बेटन की जमीन के विकरो कर उत डायमंड बार आइलैंड सिटी जो ठाया पी हो इन डायमंड बार आइलैंड सिटी के खिलाफ इन बेटन से शेयर अडन के खिलाफ इन बेटन के विकरे के खिलाफ फिशर फोरम सा गजी सिंधी कॉम्प्रेस पार्टी सिविल सोसाइटी अदीबन दानश्वर साफियन सभी गजी जो सो इन बेटन से शेयर अडन के खिलाफ जो तहरीक लाई उन तहरीक के नतीजे में वो अमार कंपनी जो पाँच समूर उतने जो उन कम हो जो स्ट्रक्चर उन लाथो हो वो सब खड़ी वापस हलिया वह उन्होंने शेयर अडन इरादों को तर्क कर छो इन अवामी जदोजहद अवामी तहरीक हुई उन 2013 में वरी मलक रियाज जो सो इन बेटन से उनसा पोर्ट कासम से मुआदो कर उते सेफ आइलैंड सिटी ठाने जो सो मनसूबो उन्होंने जोड़ो हो
कम भी उन्होंने इश्तार भी जो अखबार में जारी कर छाया हुआ पर जो सुप्रीम कोर्ट इन जो मलक रियाज के डिफॉल्टर होने के मनसूबो जो है वो रद्द कर हाँ एक दफो बी इमरान खान की हुकूमत इंतहा खतरनाक तरीके से हाँ तो सिंध बलोचिस्तान के समूर बेटन शेर अडे उते इंसानी आबादी जो है वो आबाद करण थी चाहे उते वड़ा शहर आबाद कर चाहन वड़ा रिजोर्स इन सा गड इन जहाँ तफरी गाँव जो है ठहन था इंडस्ट्रियल जोन इन किस्म की शान इन सजो जो ये अमल है वो आईन ए कानून के खिलाफ वर्जी है छो तो आईन के आर्टिकल 172 के शिक 1 ए 2 तहत 0 नॉटिकल माइल का वी 12 नॉटिकल माइल ये टेरिटोरियल वाटर्स है ये टेरिटोरियल वाटर्स जी हद है वो सूबन की होंगी है इन कर बेट आन वो 0 नॉटिकल माइल का 3 नॉटिकल माइल के अंदर अचन था इन कर सो सूबाई मलकियत सिंध की मलकियत माहिगीर की मलकियत इन बेटन जहाँ वारस माहिगीर मुआणा 25 लख माहिगीर जी सदियों का इन बेटन से रहन भी था इनते गुजरान रोजगार हासिल कन जर इन बेटन से शेयर ठया तो सब का पैरी 25 लख माहिगीर पाँ तारीखी रोजगार में बेदखल थी वा पूरी इन जी बेटन की इन्वायरमेंट है एक इकोसिस्टम है एक पूरी एकोलॉजी जी है वो तबाह थी वी माइग्रेंट जहाँ जी घस वो जो आज बंद थी माइग्रेंट की गुजरगाह बंद थी व्यूं ये समूरा बेटन के आसपास जी क्रीक्स वो फिशिंग ग्राउंड्स वो फिशिंग ग्राउंड्स जी वो समूरा माइग्रेंट जहाँ जी खत्म थी वा इतने मैंग्रोव जहाँ जंगलात मैंग्रोव जंगलात जी वो मच्छी जो नर्सरियन इन सा गए कुदरती आफतू इंद उन हवाले से यो मानुन के शहर के गोठन के बचाने के लिए सेफ गार्ड जो कम दींदा तो यो सजो जो निज़ाम है एक कुदरती निज़ाम जो है वो समूर से शेर अडण से धर्म भरम थी वो वही एक तबाही जो सो अची सके थी ये तरक्की ना है ये जो सो तबाही है ये बर्बादी है जो फिशर फोक मलान की जो माइग्रेंट की जदो की हकन के लिए सदाई विणंदी रही है तुम समझो था वफाक या सूबाई हुकूमत या गडियल तौर से ये जो बेट माइग्रेंट के बेरोजगार करने जैसे ये मनसूबो हो तो उन्हीं के लिए बेन सियासी पार्टी सिविल सोसाइटी के लिए कड़ी हुई है सो फिशर फोरम सब का पे जैसे अस खबर पी तो अस फौरी तौर पर जो 2006 में असें खबर पी अस फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई इन दफे भी अस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन निशानदी कई तो पे यो अमल थो है बेट जी सिंध जहाँ बीहर जो विकजन वन पे शहर जो अर्जन वन पे इन अस प्रेस कॉन्फ्रेंस करण का अस उत कराची में एक वही कंसल्टेशन मीटिंग घुराईसी जैमें सिंध जो समूरन साझा कॉम्प्रेस पार्टी के मुख्तलिफ सियासी पार्टी के सिविल सोसाइटी के अदीबन के दानश्वर के साफियन के मुख्तलिफ़ मकतब फिक्र के समूर मानून के असो उत गड कयोसी उत विहारियोसी उत कोऑर्डिनेशन कमेटी ठही उन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तहत जो अस जिदोजहद हलानी हुई उन कोऑर्डिनेशन कमेटी जी मीटिंग थी उन में अस बायदा इन बेटन के शेर अडन के खिलाफ असा ऑर्डिनेंस के खिलाफ असो बायदा जिदोजहद जो ऐलान कयासी कल उनो माइग्रेंट जो वो इजलास थो इब्राहिम एदरी में जैमें सवन के तादाद में माहिगीर जो गड थिया उन 15 तारीख से अस सिंध के समूरन कॉम्प्रेस पार्टी के उन मेंबर के सिविल सोसाइटी के अदीबन के दानश्वर के साफियन के इन सा गड जो है माहिगीर वही तादाद में होड़न बेड़ियन के जरिए जो अस एहतजाजी रैली कटी वासी वो एहतजाजी रैली जी है वो इन डिंगी भुंडार से एहतजाजी जलसो कंदी ए जलसो करो आवाज जो हुकूमत के ऐवान तीन पहुँचाई बेटन शेर अजन के खिलाफ जो आवाज़ उथारी ऑर्डिनेंस के रद्द कंदी जो पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ठही है उनके अस रद्द कंदी
उन असा जो सो 16 तारीख समूरी सिंध के समूर जिले में उतरे वासी मीटिंग्स कंदी एतजाजी मुजाहरा कंदी उन यो मरहलो पूरा उन इब्राहिम हैदरी का गवर्नर हाउस तीन सो पैदल मार्च कर गवर्नर हाउस के आलो जो अस धरू हणंदी असानी जिदोजहद जी है वो उन वक्त जारी रही जैस तीन सो अस वफा के शेर अजन के फैसले के वापस जैस तीन नी वे तेस तीन जो असि जिदोजहद जारी रही। नाजरीन साईं मोहम्मद अली शाह जो गाल बुझू जरूर फीडबैक दींदा पाँगी रायन का आगाह कह कड़ी गाल दफो वरी तो चवं तन भी दोस्त सिंध डिजिटल के अना सब्सक्राइब न किया वो जल्द असल सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर कर।